to my channel, Any Vlogs. पिछले एपिसोड में आपने देखा कि मैं अगरतला से जुलाईवारी तक पहुंचा था और आज हमारा जुलाईवारी में स्टे है. सो मैं एक मेरे दोस्त से मिलवाना चाहता हूँ, मेरा बचपन का दोस्त. हाय सोरतावा, अपना नाम बोलते हैं पूरा नाम. अरे यार, मेरा नाम सोरतावा विश्वास है और मैं इसका बचपन का बहुत बचपन का दोस्त हूँ. मतलब इतना से दोस्त है तो हम लोग बहुत पहले से दोस्त है, ठीक है. पूरा स्कूल लाइफ से लेके अभी कॉलेज पे भी साथ साथ ही है, ज्यादा डिस्टेंस नहीं है. हम क्लास वन से दोस्त है, ठीक है. हम क्लास वन से दोस्त है, 12th तक हम लोग एक साथ ही थे. फिर कॉलेज में आके तो वो डिफरेंट कॉलेज में चला गया. बट वो पास ही है, कॉलेज क्रॉस और एक फाइव थोड़ा ही डिस्टेंस है. तो अभी हम लोग जुलाईबरी में जो भी जगह है वो घूमने वाले हैं. एक्चुअली हम लोग का आज राइड था डोंगबोट, बट वो कैंसिल हो गया बिकॉज बारिश की वजह से बहुत ज़्यादा पानी हो गया, बोट्स वगैरह नहीं चल रहे और रास्ता भी बहुत ज़्यादा ख़राब है. तो स्कूटी से जाना इट्स बिट डेंजरस यार. तो मैं भी अपना साइकिल नहीं ले रहा. क्योंकि बहुत डेंजरस हो गया है रास्ता, कीचड़ है. मतलब ऑफ रोडिंग तो ठीक है लेकिन ज़्यादा ही हो गया है. तो हमको वो प्लान कैंसिल करना पड़ा. वो भी आप लोग को कुछ दिन बाद दिखाएंगे, ठीक है. तो अभी हम लोग आज जुलाईबरी में जो जो प्लेसेस आप विजिट कर सकते हो, ठीक है, जो जो प्लेसेस अच्छा है वो सब लोग हम आज कवर करेंगे मेरे दोस्त के साथ, ठीक है. तो फटाफट से ब्लॉग स्टार्ट करते हैं. और उससे पहले जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है अभी जल्दी से जाके सब्सक्राइब कीजिए, लाइक बटन को भी ठोक देना, ठीक है यार. मेरा दोस्त इतना मेहनत कर रहा है. चलो स्टार्ट करते हैं. तो गाइस अभी हम लोग बढ़ रहे हैं जुलाईबरी का जो हाईवे है वहाँ पे, इसके साइड में है हॉस्पिटल. तो ये है जुलाईबरी हॉस्पिटल एंड पीछे यार तावा बैठा हुआ है बहुत ही मस्त. और अभी हम लोग चलेंगे यहाँ पे. पेट्रोल स्टेशन थोड़ा दूर पड़ता है जिस वजह से सबको प्रॉब्लम्स होता है और सब लोग ऐसे बेचते हैं. एंड मौसम भी बहुत सुहाना है यार आज तो. तो अभी फटाफट से हम लोग चलेंगे कोलसी की तरफ. कोलसी दैट मीन्स एक जगह का नाम है कोलसी, जो जुलाईवरी के बाद पड़ता है. और पहले हम लोग वहाँ पे चलते हैं, फिर आपसे दिखाते हैं कि कहाँ कहाँ से जाना है. तो दिस इज़ कॉल्ड काकुलिया, दिस प्लेस इज़ नोन एज काकुलिया. एंड अगर आप अगरतला से आ रहे हो तो ये पार होके ही आपको आना पड़ेगा जुलाईवरी पे. तो दिस इज़ द काकुलिया ब्रिज एंड यहाँ पे आप को क्रॉस करना पड़ेगा. और उधर नया ब्रिज बन रहा है अभी, जो आप ये देख सकते हो ये है रिजर्व. हम लोग इसको रिजर्व के नाम से बुलाते हैं. पहले रास्ता यहाँ पर था बट अभी हम लोग यहाँ पे रास्ता जो है उससे आते हैं. प्रॉपर बन गया है सब कुछ. एंड यार इस रास्ते में चलाने का मज़ा ही कुछ और है यार. एंड दिस प्लेस इज़ नोन एज कोलसी एंड मोक, क्योंकि ये प्लेस से हम लोग को घुसना पड़ता है कोलसी. तो हम लोग अभी यही टर्न ले देंगे यहाँ से. गाड़ी ना आ जाए बस. ऑल राइट, तो हम लोग टर्न ले लिए हैं और अभी हम लोग बढ़ रहे हैं कोलसी की तरफ. एंड दिस प्लेस इज वन ऑफ माय फेवरेट प्लेस बिकॉज यहाँ पे मैं पहले भी आ चुका हूँ. आप लोग व्लॉग देख सकते हैं, नज़ारा देख भाई. ओ ओ शिट, आज ऑफ रोड भी हो जाएगा. ऑफ रोड भी हो जाएगा भाई, नज़ारा कितना सही है यार. आप लोग इधर आ रहे हो तो एक चीज़ का ध्यान रखना कि मतलब डोंट ट्रस्ट एनीवन. आप लोग अगर खुद के व्हीकल से आ रहे हो तो सही है, बाकी आपको ऑटोज वगैरह मिल जाएंगे, लेकिन किसी भी प्राइवेट व्हीकल्स में आप लोग मत उठिएगा. ये देखो एग्जांपल सामने है. यस, ऑटो हर जगह चलता है भाई. थोड़ा अपना सेफ्टी का भी ध्यान रखें क्योंकि यहाँ पे कोई भी आपको नेटवर्क्स भी नहीं मिलेगा. तो हम लोग तो लोकल्स हैं, हम लोग को कोई दिक्कत नहीं होता है. बट इफ़ यू आर कमिंग फ्रॉम फार डिस्टेंस और आप लोग बाहर से आ रहे हो तो थोड़ा सा ध्यान रखना इस बात का. एंड दिस इज़ अ बाजार आई गेस. सो दिस इज़ द प्लेस जिसके लिए हम लोग आए हैं. पहले से कोई आया हुआ है शायद. So this place is known as the Buddha Mandir of here. Kolshi Buddha Mandir बोलने से आप लोग को ये place ही आ जाएगा, ठीक है. तो इस place में मैं पहले भी आ चुका हूँ, वाह बारिश भी आ चुका है, लेकिन मैं आप लोग को दिखाऊंगा कि ये place कैसे आना है वो मैं आप लोग को नहीं बताया था. बादल पूरा छा चुका है, ठीक है. अभी तो बारिश आ रहा है फिलहाल. फिर भी मैं एक चीज़ बोलना चाहता हूँ कि अगर आप यहाँ पर आना चाहते हैं तो फर्स्ट आपको आना होगा कोलसी.
कोलची बाज़ार से घुसना पड़ेगा, वहाँ से आपको स्ट्रेट स्ट्रेट जाना है और कहीं भी नहीं जाना है, पूरा स्ट्रेट जाना है। और उसके बाद आपको जो मेरे पीछे जो बगान दिख रहा है शाल बगान, वहाँ तक आना है। एंड देन वी आर गोइंग टू रिवील दिस प्लेस। सो दिस इज़ द प्लेस, आप पहचानते हो, मुझे पता है आप लोग बोलोगे कि हाँ मैं पहचानता हूँ, बिकॉज फिर से आया हूँ क्योंकि ये मेरा फेवरेट प्लेस है हमेशा के लिए। तो आई लव दिस प्लेस, बार बार आता रहूँगा। तो अभी हम लोग चलते हैं इसके अंदर। ऐसा बुद्ध बारी मेरा भी फेवरेट प्लेस है, कोई भी बुद्ध बारी हो मेरे को बहुत अच्छा लगता है उसका, मतलब साइलेंस एक नेचर है। दिस इज लाइक, कभी भी यार मन हल्का लग रहा हो ना, मन कभी भी ख़राब हो, आ जाओ बस आके बैठ जाओ, रिकवर हो जाएगा भाई। एक बार व्यू देखो आप यार, कितना सही लग रहा है। और यार गोप्रो का स्टेबलाइजेशन बताओ कैसा स्टेबल हो रहा है वीडियो। तो दिस इज़ द टेंपल, पहले टेंपल से घुसने से पहले हम लोग थोड़ा सा इसको साइड से भी देखते हैं इसमें क्या है। आप लोग ये जो देख रहे हो पूरा सिमेट्रिकल है, ठीक है, आप लोग जहाँ से भी देखोगे इसको पूरा सिमेट्रिकल है। और चलते इसके अंदर और अब देखते हैं इसके अंदर क्या है। तो अभी हम लोग इसके अंदर घुस रहे हैं, मंदिर के अंदर घुस रहे हैं। एंड ये है बुद्ध मंदिर, एंड दिस इज द बुद्ध भगवान। और यहाँ पे इनके छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स भी बने हुए हैं, ऐसे आपको हर साइड से एक ही मतलब वो मिलेगा। यहाँ पे छोटे छोटे यार क्यूट क्यूट बुद्ध भी बने हुए, देखो आई डोंट नो ये क्या है बट सुंदर लग रहा है देखने के लिए। एंड व्यू देखो यार, आप लोग यहाँ से निकलोगे जस्ट लुक एट द व्यू। तो यही था बुद्ध मंदिर का जो भी ब्लॉग था। तो अभी हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं, ठीक है। और आपको अगर कुछ डाउट है तो आप बोल सकते हो, क्या कैसे आना है, कैसे यहाँ पे वो विज़िट करना है, कुछ भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो कि कैसे आना है। तो हम लोग यहाँ से अभी निकल रहे हैं एंड आपके यहाँ पे कुछ बहुत मस्त नज़ारा मिलेगा। तो गाइस ये है कुछ व्यू यहाँ का, कितना मस्त लग रहा है देखो। ओ भाई यहाँ पे भी टूटा हुआ है ब्रिज, गांव में यही होता है यार, यू हैव टू एडजस्ट, और उसके बिना मज़ा कहाँ आता है। यहाँ तक आते आते भाई कमर टूट गया, बहुत ही अंदर इलाका है। और अभी हम लोग चल रहे हैं डैम की तरफ, दिस इज कॉल्ड कोलशी बाज़ार। यहाँ पे मस्त आपको बाशकरोल वगैरह मिलेगा। ओ भाई सो दिस इज कॉल्ड द कोलशी डैम। अभी रुक जाओ, नज़ारा देखना बाकी है अभी। तो गाइज अभी हम लोग है कोलशी का जो डैम है वहाँ पे, ये बेसिकली मुनी जो नदी है वहाँ से जाता है। अंकल टुको टुको देख के जा रहा है। एनीवे तो अभी मैं वहाँ पे जाने वाला हूँ, आपको दिखाता हूँ। तो भाई लोग बहुत ही मुश्किल से अभी आया हूँ, ठीक है, जम करके आया हूँ। ये है डरपोक भाई, ये कभी नहीं आएगा, ठीक है। और अभी यहाँ पे है ये डैम जो कोलशी का है, अभी डैम तो ओपन ही है, जिससे मोरी नदी का जो होता है और वहाँ पे वो बम्बू का ब्रिज होता है। भाई डर के आगे जीत है, और जीत के आगे मिलता है ये व्यू। ये देख रहे हो और ये देखो नीचे, इसका गिरूंगा तो यार शायद मर ही जाऊंगा मैं, ठीक है। तो अभी फिर से यहाँ से जाना पड़ेगा, अभी फिर से रवाना होते हैं नेक्स्ट लोकेशन के लिए। चलो भाई अभी बारिश आ चुका है, पर उससे पहले मैं आपको एक लास्ट व्यू दिखाता हूँ। हम लोग थोड़ा जितना हो सकता है उतना जा रहे हैं, आ जाता बस। भाई बढ़िया लग रहा है यार, बहुत बढ़िया लग रहा है। और मेरे पीछे का व्यू देखो, इधर का व्यू देख लो,
या इधर का व्यू देख लो, हर जगह से मस्त है भाई। हम लोग यहाँ पे अभी एक्सप्लोर कर चुके हैं, अभी जा रहे हैं हम लोग नेक्स्ट लोकेशन के लिए। यार बहुत ही ज़्यादा थक चुका हूँ ये बड़ा सा पेट लेके, यार इतना लंबा लंबा सीढ़ी चढ़ेंगे तो यार होगा ही ऐसा। एनीवेज अभी हम लोग चल रहे हैं घर पे। सो गाइस मैं अभी आ चुका हूँ घर में, तो और आज पापा का बर्थडे भी है, तो अभी हम लोग जा रहे हैं बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए। तो अभी हम लोग पापा का बर्थडे सेलिब्रेशन कर रहे हैं। बाबा कत बस 49। अच्छा और एक बस আর এক বছর বাকি হাফ সেঞ্চুরির। আর এই থেকে সাথ দাদাজি ভি হ্যালো গো, হ্যালো হ্যালো গো, হ্যালো, হাত দে এনে কল লাগে হ্যালো। আর উধার হে মেরা দাদাজি, হ্যালো হ্যালো। তো কেক বানায়া হে মেরে মসি নে, কেক ভি দেখ সকতে হো বহুত কিউট বানায়া। তো কোন কাডো নিয়ে যাও, তুমি যাও। আগে মোমবাতি নিবো, একাডো। হ্যাপি বার্থডে টু ইউ, হ্যাপি বার্থডে টু ইউ, হ্যাপি বার্থডে টু বাবা, হ্যাপি বার্থডে টু ইউ। দেখাও ভিডিও পাপা কা বার্থডে খতম হো চুকা হ্যায়, খানা পিনা তো চলতা রহেগা। আর জিন লোক কো নেই পতা কি মেরা ঘর কাহাঁ পে হ্যায়, তো মেরা ঘর হ্যায় জুলাইবাড়ি মে। और आप जो पीछे देख रहे हो वो हमारा घर है, और इधर मेरे पीछे जो है वो सब यार रेंट में दे रखा है, और इधर पे जो कार खड़ा है वो अपना कार है। सो यही कुछ है अपना घर। एंड कल तो यार एपिसोड आ रहा है वापस, नेक्स्ट एपिसोड आ रहा है, तो देखिएगा आप लोग। तो इसी के साथ मैं आज का व्लॉग ख़त्म करना चाहता हूँ, तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और नेक्स्ट एपिसोड में साउथ का। So till then, keep safe, keep smiling. Signing off, Anik Vlogs.